गाइज आज हम करने वाले हैं दुनिया का सबसे खतरनाक चैलेंज। ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो हमें मिलेगी चमचमाती एक ट्रॉफी और एक मस्टैंग। इसी बार अपना थर्ड ये रैंप के ऊपर चढ़ चुका है। वो भाई सही बोल रहा था, ये भाई इसमें काफी ज्यादा पावर लग रही है। रैंप चैलेंज में फट चुका है स्कॉर्पियो डीजे का टायर। और नो देख सकते हो भाई अपना ट्रक डीजे भी चढ़ता हुआ रैंप चैलेंज में। गब्बर डीजे भी चैलेंज करता हुआ। ये क्या, नहीं नहीं नहीं, सबसे आगे पहुंच गया नहीं। यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एक और जी डी वाइव की ब्रांड वीडियो में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। तो देख सकते हो गाइस हमारे सारे डीजे खड़े हैं यहाँ पे। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे फ्रैंकलिन भैया इन सारे डीजे का अचार डालोगे क्या एक साथ लाके। तो मैंने भी यार फिर सोचा अचार तो नहीं डालेंगे, पर आप सब लोगों के लिए कुछ खतरनाक चीजें करनी ही पड़ेगी, अब तो लग ही रहा है मेरे को। तो गाइस हम लेके आ चुके हैं जो अपने सारे प्यारे डीजे, जो हमारे टॉप 5 डीजे उनका मिला है हमें आज एक चैलेंज। काफ़ी खतरनाक चैलेंज मिला बीडू लोगों को। वैसे देखा जाए तो आप सब लोगों को दिखाएंगे, पर अपने प्यारे डीजे थे तो मैंने सोचा क्यों ना ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए। तो ट्रेवर ने मेरे को एक्सेप्ट दिया कि भाई ये जो चैलेंज करके दिखाएगा तो मैं तेरे को गिफ्ट करूंगा एक मस्टैंग विद ट्रॉफी। तो भाई फिर मैंने बोला कि यार क्यों झूठ मूठ बोल रहा है, तेरे पास अपने पास तो कोई सुपर कार है नहीं, तू मेरे को कैसे सुपर कार गिफ्ट करेगा। तो फिर भाई उसने मेरे को सुपर कार का चैलेंज दे के सुपर कार तक दिखाई जो कि खड़ी है ऊपर की साइड। अब करना क्या गाइस, हमें दिए उसने 5 मौके। अब 5 मौकों पे फिर मैंने मारे 5 चौके कैसे मारे, क्योंकि देख सकते हो हमारे पास आ चुके 5 गाड़ियां, जो कि देखा जाए तो सबसे पहले हमने रखी है। देखो आप सब लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो सबसे आगे रखा है हमने फॉर्च्यूनर डीजे, उसके बाद रखा है हमने अपना स्कॉर्पियो डीजे, उसके बाद अपना थार डीजे, और उसके बाद हमारा जो है गब्बर डीजे बोलेरो किंग उसको रखा, और लास्ट में रखा है अपना ट्रक डीजे। तो गाइस हमने सोचा कि सबसे पहले हमें थोड़ा मतलब ड्राइवर को दिखाना पड़ेगा कि चैलेंज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वैसे मुश्किल तो है, देखा जाए तो काफ़ी ऊपर तक जाना, इस इमारत पर चढ़ना है हमें डीजे लेके, वैसे आसान बात तो नहीं है। पर उसने एक और शर्त रखी है, अगर तू हारा तो मेरे को दिलाएगा UK07 की सुप्रा, वो मेरे को गिफ्ट करवाएगा। तो मैंने बोला कि चलो यार ये सुनहरा मौका क्यों खोते हैं, क्योंकि मस्टैंग तो काफ़ी महंगी है और काफ़ी भाई मज़ा आने वाला उस गाड़ी को चलाने में। तो मैंने भी फिर यार जैसे कि हमारा सुपर कार तो आ नहीं पा रही, तो हमने इसका मौका देखते हुए मौके पे छोपा मार दिया। तो भाई सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं रैम कितने ऊपर तक है बीडू लोगो। ये खतरनाक चैलेंज दिया भाई ड्राइवर ने, अगर मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो गाइज मुझे मिलने वाली है मस्टैंग। तो काफ़ी डेंजर चैलेंज है, देख सकते हो भाई पहाड़ जितनी रोड बना दी है बीडू लोगो। अगर ये चैलेंज कंप्लीट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाएगा। देखो वहाँ तक चढ़ना है भाई, डिफिकल्ट काफ़ी ज़्यादा है, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये डीजे चढ़ने वाला है गाइज आज इस पहाड़ वाली रोडों पर, भाई साहब रे काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, सबसे खतरनाक चैलेंज होने वाला है आप सब लोगों के सामने आज, ये देख सकते हो भाई भाई भाई। और ये डीजे करके बता पाएंगे भाई, इंडिया के टॉप 5 डीजे आ चुके हैं चैलेंज करने भाई साहब, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आने वाला है वीडियो लोगों। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ एक बार ट्रैक, और एक बार चेक कर लेते हैं हमारी मस्टैंग भी पहुँच चुकी है ऊपर। तो मैं ड्राइवर को फ़ोन करता हूँ और फिर बोलता हूँ मेरा ड्रोन नीचे भेज वीडियो, उससे हम दिखाएंगे आप सब लोगों को ऊपर तक की पूरी जर्नी। तो लेट्स गो गाइस, आज हम करने वाले हैं दुनिया का सबसे खतरनाक चैलेंज जो कि रैंप से होते हुए। देखो भाई कितना ज़्यादा पावर लगेगा इसमें, एक्सीलेटर पावर देखी जाएगी गाड़ी की। तो हम ऊपर चले तो हमारे लिए तैयार है, जैसे हम रैंप ये क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए तैयार है चमचमाती मस्टैंग। अगर हमने आज ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो हमें मिलेगी चमचमाती एक ट्रॉफी और एक मस्टैंग सुपर कार। सुपर कार के लिए हमें चैलेंज करना पड़ रहा है बीडू लोगों। तो देख सकते हो भाई ये खतरनाक रैंप, भाई इस खतरनाक रैंप पे क्या अपने डीजे चढ़ पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है बीडू लोगों पर। क्या कर सकते हैं भाई, चैलेंज जब स्टार्ट किया है तो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा ना बीडू लोगों। तो ये देख सकते हो हमारे इंडिया के टॉप 5 डीजे जो कि चढ़ने वाले इस रैंप पे, क्या ये डीजे आज इस रैंप को पार कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल आप सब लोगों के सामने। तो गाइस ड्रोन शॉट्स में आप सब लोग देख सकते हो क्या चमचमाती अपने सारे डीजे लग रहे हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। तो सबसे पहले लेके चलेंगे हम हमारा जो है चमचमाता थार डीजे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो शुरू करते हैं अपना चैलेंज। और सबसे पहले हमने रखा अपना थार डीजे। यार मेरे को लग रहा है कि ये ड्राइवर मेरे साथ कुछ चाल तो नहीं चल रहा, क्योंकि उसको पहले पता था डीजे पे बहुत ही ज़्यादा भार होता है, तो इसीलिए भाई उसने इतना खतरनाक चैलेंज दिया। और उसने कहा है कि चिकनाहट वाली रोड भी होगी कई कई जगह, तो भाई संभल के जाना ड्राइवर। तो लेट्स गो भाई अपना थार डीजे, भाई अपना थार डीजे चढ़ चुका है रैंप के ऊपर। ओ भीड़ लोगों भाई पहली बार अपना थार डीजे रैंप के ऊपर चढ़ चुका है।
वो भाई सही बोल रहा था, ये भाई इसमें काफी ज्यादा पावर लग रही है, देख सकते हो। ओ भाई पहले वाला क्रॉस कर लिया भाई, थार अपना दम दिखा रहा है वीडियो लोगों, लेट्स गो। अब स्पीड में चढ़ाएंगे, यहाँ से देख सकते हो स्पीड दे लिया है। तो थार डीजे अपना करता हुआ रैम चैलेंज भाई काफी खतरनाक तरीके से। अरे अरे भाई, अरे नहीं भाई, ये तो चिकनाट रोड पे आ गए और भाई अपना थार डीजे तो गिर चुका है। और नो वीडियो लोगों, काफी ज्यादा नुकसान हो गया भाई, अब इसको निकलवाने के लिए भी पड़ना पड़ेगा। पर अपना थार डीजे तो नीचे गिर चुका है, क्योंकि मुझे पहले ही पता था यार ये डिसबैलेंस होने वाला है। पर क्या ही कर सकते हैं लोगों, अब कुछ नहीं कर सकते लोगों। तो लेट्स गो, अब चलते अपने सेकंड डीजे पे भाई। काफी ज्यादा भाई दिनों बाद तो नहा लिया हूं मैं यहां पे आके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो गाइस, अब चलते अपने सेकंड डीजे की तरफ जो कर पाएगा ये चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल आज। गाइस हमारा थार्ड डीजे तो फेल हो चुका है चैलेंज करने में, देख सकते हो भाई कैसे भाई रिपटते हुए गया। देखो स्क्रैचेस आपको दिख रहे होंगे रोड के ऊपर जो बने हैं अभी रिसेंटली। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अब हम लेके चलेंगे अपनी प्यारी दुलारी, राज दुलारी, अपनी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और 6 टायर वाला डीजे भी है। तो लेट्स गो, देख सकते हैं स्कॉर्पियो क्या स्कॉर्पियो कर पाएगा आज ये चैलेंज, सबसे बड़ा भाई सवाल अभी के लिए। तो लेट्स गो भाई, स्कॉर्पियो अपना जाता हुआ भाई भाई भाई, तो लेट्स गो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो कर पाएगा भाई, ये तो लग रहा है अभी से ही। तो लेट्स गो भाई, स्कॉर्पियो को काफी ज्यादा दम लग रहा है, देख सकते हो स्कॉर्पियो तो यहीं पर भी नहीं चढ़ पा रहा। ओ नो, ये नहीं हो सकता भीड़ू लोगो भाई। अरे स्कॉर्पियो चढ़ भाई, देख सकते हो स्कॉर्पियो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ भाई, ये तो पहले पे भी नहीं चढ़ पा रहा। ओ नो भाई, ये गलत है, थोड़ी स्पीड लेके आते हैं, थोड़ा स्पीड मतलब इसको स्टार्टअप चाहिए होगा, क्योंकि 6 टायर वाला तो वैसे ही भाई काफ़ी ज़्यादा भारी डीजे, क्योंकि 6 टायर लगाने पड़े तो आपसे लोग भी सोच सकते हो ना। तो लेट्स गो, आपसे फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स गो लेके चलते हैं भाई, देख सकते हो स्कॉर्पियो डीजे अपना, लेट्स गो स्कॉर्पियो डीजे भाई इस बार पार कर गया भाई। ओ लंबी जंप लगा दी स्कॉर्पियो डीजे ने तो, और लेट्स गो भाई, चढ़ पाएगा चढ़ पाएगा चढ़ पाएगा, कर पाएगा कर पाएगा। सेकंड वाला भी चढ़ गया, पर अब इसका पूरा पिकअप टूट चुका है, देख सकते हो 2 बार यहाँ पे हमारा थार डीजे डिसबैलेंस हुआ, तो इस बार हमने ध्यान रखा है। लेट्स गो, वो वो भाई थार से भी ऊपर आ चुका अपना स्कॉर्पियो डीजे, देख सकते हो। लेट्स गो, ये भाई भाई भाई, अब क्या हुआ, रहे नहीं भाई अब चढ़ नहीं पा रहा। अरे टायर फूट गया यहाँ पे, देख सकते हो। ओ नो भीड़ लोगों भाई, ये क्या हो चुका है, हमारा टायर फट चुका है, देख सकते हो भाई स्कॉर्पियो डीजे का टायर फट चुका है रैंप पे। ओ नो, क्या भीड़ लोगों अब ये कर पाएगी, नहीं 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 नहीं, अरे भाई अब तो ये चढ़ी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं, रैंप चैलेंज में फट चुका है स्कॉर्पियो डीजे का टायर। ओ नो भीड़ लोगों, रे भाई क्या कर सकते हैं आप तो लोगों के सामने, तो भाई इसका क्या कर सकते हैं आप भीड़ लोगों, थोड़ी सी स्पीड चाहिए होगी जो स्पीड इसको मिल नहीं पा रही है। तो लेट्स गो, ये अरे नहीं, उधर की साइड नहीं जाना, जिधर की साइड टायर फटा तो भाई अपना स्कॉर्पियो डीजे भी गिर चुका है पानी में, क्योंकि भाई मुझे लग रहा था स्कॉर्पियो डीजे कर लेगा, पर सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई उसका टायर ही फट चुका है। ओ नो भीड़ लोगों, ये तो भाई काफ़ी खतरनाक चीज़ हो चुकी है। तो भाई ये भी अनसफल रहा है भाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो भाई अब हमारे पास 3 डीजे और बचे हैं, मतलब कि 3 मौके बचे, तो काफ़ी भाई खतरनाक भयानक सीन होने वाला। तो लेट्स गो, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डीजे की तरफ, क्या कर पाएगा वो आज का सबसे बड़ा सवाल है वीडियो लोगों। सो गाइज, अब बारी अपने ट्रक डीजे को हमने चूज करा है, क्योंकि भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेटर पावर है, तो देखते हैं इसकी एक्सीलेटर पावर। तो अपना ट्रक डीजे भी रैम चैलेंज के लिए स्टार्ट हो चुका है, एक्सक्यूटेड भाई ट्रक डीजे। अरे नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं करानी बीड़ू लोगों, पहले पे तो चढ़ना है भाई, नहीं अरे यहीं पर नहीं गिरना बीड़ू, अरे नहीं भाई भाई बच गया, अभी तो मेरे को लगा सीधा नीचे की साइड जाएगा, पर बच गया बच गया। अभी ऐसे थोड़ी हार नहीं मानने देंगे, सीधा इसको थोड़ा पीछे से लाते हैं इस बार और ज़्यादा एक्सीलेटर पावर के साथ। तो लेट्स गो भाई, ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, मेरे को नहीं लगता ट्रैवल ने कैसी चाल चली है। पर ये देख सकते हो भाई, अपना ट्रक डीजे भी चढ़ता हुआ रैम चैलेंज में भाई, पहले वाला तो पार कर ले बिडू, नहीं इतनी गंदी बेइज्जती नहीं करा सकता तू मेरी। अरे भाई 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 भाई, ये तो पहले भी नहीं चढ़ पा रहा और ये यहीं पे गिर चुका है। रे भाई 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 भाई, ये देख सकते हो भाई, नैया डूब गई है रे बीड़ू लोगो भाई। मैंने ट्रक डीजे से कुछ तो एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि भाई इसमें थोड़ी पावर तो थी, पर ये भी गिर चुका है पानी में, और पानी में मेरी उम्मीदें भी डूबती हुई लग रही है। पर बीड़ू लोगो, अभी अभी हमारे 2 डीजे बाकी है, जैसा कि आपको पता है, एक तो है हमारा जो है बुलेरो डीजे और दूसरा बचा हमारा फॉर्च्यूनर डीजे। तो लेट्स गो, चलते हैं हम और उन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं कि क्या वो कर पाएंगी हमारी प्यारी गाड़ियाँ। लेट्स गो। सो गाइस, काफ़ी निराशा के बाद अब ये 2 डीजे बचे हैं, मतलब कि हमारे पास 2 चांस बचे हैं मस्टैंग को जीतने के लिए। क्या ये कर पाएंगे, मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, पर देखते हैं गाइस। अब हम लेके जा रहे हैं हमारा जो है राज दुलारी, जो है बुलेरो। क्या बुलेरो कर पाएगी सबसे बड़ा भाई आज का चैलेंज होने वाला है ये भाई, देख सकते हो बुलेरो को हमने चला दिया और बुलेरो में काफ़ी ज़्यादा मुझे पावर लग रही है। लेट्स गो,
भाई लेट्स गो, पहले वाला तो आराम से कर देगी मुझे इतनी उम्मीद है। लेट्स गो भाई, गब्बर डीजे चढ़ चुका है भाई, देख सकते हो भाई अपना गब्बर डीजे चैलेंज करता हुआ भाई काफी स्मूथली तरीके से चढ़ रहा है भाई। इसको बिल्कुल भी मतलब कि जोर नहीं आ रहा, पर यहाँ पे लग रहा है मुझे थोड़ा सा हुआ टाइट टाइट फीस उसकी, पर नहीं 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 बच गया बच गया बच गया भाई। इधर उधर क्यों हो रहा है इतना ज्यादा भाई, चिकनाहट वाली रोड है जैसा कि आप देख सकते हो भाई, पूरी नई रोड है तो भाई अभी टामर लगा है इस पे तो फिसल रहा है। बाकी देख सकते हो अपना गब्बर डीजे भी चैलेंज करता हुआ, ये क्या, नहीं 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 भाई ये क्या है वहां पे चढ़ते हुए, मतलब थार जितना ये भी गया है यार। देख सकते हो आप सब लोगों के सामने ये भी गिर चुका है बीड़ू लोगो, मतलब अब मेरे पास लास्ट चांस है। नहीं 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 ये नहीं हो सकता बीड़ू लोगो भाई, गब्बर डीजे ने थार डीजे जितनी बराबरी करी, पर थर्ड रैम के बाद कोई सा भी डीजे नहीं चढ़ पा रहा, मतलब हमारे पास आखिरी मौका है अब अपने जो है फॉर्चुनर बची है वो कर पाएगी, मुझे वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि गाइस थर्ड वाले पे जाते जैसे जाते ना पाँच है ये पाँच पे, मतलब तीसरे तक तो हम पहुंच पा रहे हैं पर उससे आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं बीड़ू लोगों। अब क्या करें, लेट्स गो चलते वहीं पे और लास्ट गाड़ी और लास्ट मौका भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मस्टैंग जीतना और मेरे को सुपरा दिलवानी पड़ेगी अगर मैं हारा तो। लेट्स गो चलते हैं अब तो भाई पहले अपने फॉर्चुनर डीजे के पास। सो गाइज अपनी आखिरी उम्मीद अब यही बची है जो हमारा फॉर्चुनर डीजे भाई काफ़ी मानी जानी गाड़ी है इंडिया में, क्या ये कर पाएगी फाइव स्टेप फ्लोर चैलेंज भाई, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, पर लेट्स गो अब चला के देखते हैं अपनी फॉर्चुनर को। लेट्स गो, अरे फॉर्चुनर तो यहीं पे डकबक आ गई, अरे नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बीड़ू लोगों, मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ी पावर कम है बीड़ू लोगों। रे भाई 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 ये तो काफ़ी मुश्किलात हो रही है मेरे को लग रहा है बीड़ू लोगों, पर इसको हम चढ़ा के दिखाएंगे आप सब लोगों को कैसे भी करके। लेट्स गो अब ये वाला चैलेंज तो ये कर लेगी, पहले वाला पार कर दिया काफ़ी मुश्किल से करा है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, अब इसको थोड़ी पावर मिल चुकी है। लेट्स गो तो अपना फॉर्चुनर डीजे सेकंड वाला भी पार कर दिया भाई, थोड़ी सी स्पीड मिल चुकी है इसको तो ये चढ़ जा रही है। लेट्स गो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये वाला तो भाई, चल 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 चढ़ गई गाइस हम आ चुके हैं सबसे आगे भाई साहब। लेट्स गो अब मुझे थोड़ी सी पावर की जरूरत और पड़ेगी तो इसको थोड़ा पीछे से लेके आएंगे गाइस, यहाँ से देख सकते हो भाई चिकनाहट वाली रोड आप सब लोगों को साइड में दिखी रही होगी, पर अब ये चढ़ पाएगा भाई सबसे बड़ा चैलेंज है। लेट्स गो पूरा बैलेंस में रखना है इसको आराम से। लेट्स गो सबसे आगे पहुंच गया नहीं भाई डिसबैलेंस नहीं होना अरे नहीं भाई ये क्या हो गया रे सत्यानाश, इसकी भैंस की टैट भाई ये भी मिल चुका है नीचे की साइड, तो हम तो हार चुके हैं बीड़ू लोगों, ये चैलेंज मेरे को नहीं लग रहा कुछ कर पाएगा भाई, अब तो मुझे एक इंडियन कार ही मंगानी पड़ेगी वही ये चैलेंज कर पाएगा, और मेरे को ड्राइवर से एक और सेकंड चांस मानना पड़ेगा क्योंकि भाई जो मेरी मस्टैंग है वो तो ऊपर भाई चूर चूर हो चुका है सपना, क्योंकि पर सबसे आगे इनमें चैंपियन मानी जाए तो हमारी फॉर्चुनर थी, फोर्थ वाले को टच होके आई है, मतलब फोर्थ वाला ऑलमोस्ट हो गया था पर उसके बाद सारी गाड़ियां गिर चुकी है तो बीड़ू लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो गाइस हमें सोचना पड़ेगा अब, हमें इंडियन कार्स ला के ये चैलेंज करना पड़ेगा, क्या पता उसमें हमें सेकंड चांस दे ड्राइवर तो हम जीत पाए एक सुपर कार। तो ठीक है फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना फिर आज का चैलेंज कैसा लगा, अगर और भी चैलेंजेस करने हैं किस चीज़ के साथ करने हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक लिखेंगे फिर अगले गेड़ी, बाय बाय।